इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर का दायरा, तीर्थ स्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर रोक। बीजेपी का मायावती और अखिलेश पर तंज, कहा न चार्टर्ड प्लेन से सैंडल आते हैं, न सफाई में करोड़ों से महोत्सव होता है। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर बोले योगी, प्रदेश की नंबर वन इकोनॉमी का सपना पूरा करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का योगी सरकार पर हमला, कहा बुखार से हो रही बच्चों की मौत, विकास की फर्जी गाथा सुना रहे हैं योगी। एसपी नेता सुनील यादव का केंद्र पर हमला, कहा पोर्ट कंपनी के दोनों प्लांट बंद, हजारों लोग बेरोजगार। कल होगा बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज, जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। यूपी में हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा करेगी कांग्रेस, इमरान प्रताप गढ़ी बोले हर गांव कस्बे से गुजरेगी यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले मुसलमानों को अब डरना नहीं है क्योंकि मजलिस आ रही है। ओवैसी का पीएम आवास योजना में भेदभाव का आरोप, कहा 2017-18 के बीच सिर्फ 10 मुसलमानों को मिला घर। ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में केस दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। मुख्तार अब्बास नकवी का ओवैसी पर तंज, कहा ओवैसी चुनावी चौपाल में चकल्लस करने वाले नेता। 22 सितंबर को फिर उत्तर प्रदेश आएंगे ओवैसी, संबल, प्रयागराज, कानपुर और बहराइच में करेंगे चुनावी सभा। स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी के गोला में प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। ओपी राजभर का बयान, कहा सबकी नजर ब्राह्मणों पर लेकिन शोषितों वंचितों की कोई बात नहीं करता। यूपी कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप, कहा एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा। जयंत चौधरी का एमएसपी पर बयान, कहा नए कानून बनाए तो पुराने कानूनों का सहारा क्यों लेती है सरकार। सांसद संजय सिंह का उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप, कहा कोरोना के नाम पर 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा। संजय सिंह ने फिर लगाया जल जीवन मिशन योजना में घोटाले का आरोप, कहा बिना रेट तय किए दिए टेंडर। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नए प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट की नियुक्ति की। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से सीतापुर जेल भेजा गया। किसान नेताओं के साथ मीटिंग के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कई मुद्दों पर किसानों से सकारात्मक बातचीत। कांग्रेस नेताओं से पहले अकाली दल के साथ चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने बातचीत की, बीजेपी को न्योता नहीं। गैर बीजेपी दलों से किसान संगठनों से अपील, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ना करें रैलियां। पराली जलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी कैप्टन सरकार, रेड जोन इलाकों में विशेष कार्यबल तैनात होंगे। अकाली दल और बीएसपी के नेताओं की बड़ी बैठक, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पंजाब में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी का कैंपेन, कहा नमो ऐप से जुड़ने के लिए मिस कॉल दें। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मांगा चंदा, कहा पंजाब में ईमानदार सरकार चुनने में मदद करें। पंजाब में कोविड प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़े, किसी समारोह में 300 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। पंजाब में वैक्सीन की पहली डोज लेना जरूरी, 15 सितंबर के बाद कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। पुष्कर धामी का ऐलान, कहा उत्तराखंड को बनाएंगे आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी। सीएम पुष्कर धामी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनने पर दी बधाई। उत्तराखंड में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हरीश रावत चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी देंगे निभाऊंगा। हरीश रावत के मुताबिक दिसंबर में हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। खटीमा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली को लेकर वीडियो संदेश, कहा फ्री बिजली से आएगा जीवन में बदलाव। आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल का आरोप, कहा चारधाम यात्रा को लेकर कंफ्यूजन फैला रही है सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने पूर्वजों के घर पर की गणपति पूजा, कोरोना मुक्त देश की कामना की। गोवा में लोगों को 100% वैक्सीन की पहली डोज लगी, 30 अक्टूबर तक सभी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य। और एनआईआरएफ रैंक में गोवा यूनिवर्सिटी 15 स्थान फिसली, गोवा यूथ कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने विश्वविद्यालय का स्तर गिराया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।